चरूनी गांव में भारतीय किसान यूनियन की बड़ी बैठक हुई है। गुरनाम सिंह चरूनी ने यूनियन से जुड़े नेताओं की ये बैठक ली है। किसान बना रहे हैं बड़े आंदोलन को लेकर रणनीति। यूनियंस के जिला अध्यक्ष समेत कई नेता इस बैठक का हिस्सा रहे। आपको बता दें किसान एक बार फिर से आंदोलनरत है और ऐसे में बैठकों का दौर, रणनीति बनाने का दौर भी चल रहा है। आपको बता दें कि किसानों ने रणनीति बनाई है एक बैठक के जरिए। चरूनी गांव में भारतीय किसान यूनियन चरूनी गुट की एक बैठक, गुरनाम सिंह चरूनी ने यूनियन से जुड़े नेताओं के साथ बैठक की है कि आगे किसानों की रणनीति क्या होनी चाहिए। किसान बड़े आंदोलन को लेकर रणनीति बना रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। यूनियन के जिला अध्यक्ष समेत कई नेता, बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा बताए गए। चरूनी गांव में भारतीय किसान यूनियन चरूनी गुट की बैठक, गुरनाम सिंह चरूनी ने इस बैठक में हिस्सा लिया। तमाम जिले के अध्यक्ष यूनियंस के इसमें थे, कई बड़े नेता किसानों के इसमें थे। चरूनी गांव में भारतीय किसान यूनियन की बड़ी बैठक हुई है। गुरनाम सिंह चरूनी ने इस बैठक को लिया है, तमाम किसान नेताओं के साथ बातचीत की है, रणनीति बनाई है। एक बड़ा आंदोलन करने की राह पर किसान क्या आगे बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि पंजाब के किसानों का गुस्सा और इधर हरियाणा के किसान भी अब कमर कसते दिख रहे हैं। राहुल सहजवानी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। राहुल, पंजाब के किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं, हरियाणा के किसानों की रणनीति बन रही है, क्या हम इसे बड़े किसान आंदोलन की आहट समझें, क्या कुछ रहा इस बैठक में? देखिए बिल्कुल, अभी तो जो किसान, भारतीय किसान यूनियन के जो चरूनी ग्रुप के पदाधिकारी हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, उनकी एक बैठक जो है वो चल रही है चरूनी गांव में, जो है ये बैठक यहां पर चल रही है। और ऐसे में तमाम जो आंदोलन को लेकर जो है रूपरेखा जो है वो यहां पर तैयार की जा रही है, किस तरीके से पंजाब के किसान को सपोर्ट करना है और क्या रूपरेखा यहां पर रहेगी, इसको लेकर जो है अहम बैठक जो है कहा जा सकता है कि चरूनी गांव में जो है यहां पर भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चरूनी, वो यहां पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसान मोर्चा की क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से किसानों को समर्थन दिया जाएगा, आंदोलन को किस तरीके से आगे लीड करना है, इन सब चीजों को लेकर जो है रणनीति यहाँ पर बनाई गई है। पूरे हरियाणा के जो जितने भी जिलाध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, उनकी यहाँ पर जो है एक बैठक हो रही है। उसके बाद जो है एक रणनीति के तहत जो है जो पंजाब के किसान है उनको यहाँ पर जो है सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा कि किसान जो है पंजाब से शुरू हुए थे और उसके बाद जो है लगातार इस तरीके की कार्रवाई जैसी वो देखने को मिली थी और लगातार इस तरीके का जो प्रोटेस्ट है वो किसानों यहाँ पर, किसान जो थे वो यहाँ पर कर रहे थे। ऐसे में एक बड़ी बात ये है कि जो कल है भारत बंद की कॉल जो है वो यहाँ पर दी गई है, भारत बंद के कॉल को भी लेकर किस तरीके से किसान जो हरियाणा के हैं वो अपनी रूपरेखा यहाँ पर रखेंगे वो इस बैठक में क्लियर हो जाएगा। अब यमुनानगर की अगर बात करें तो यमुनानगर में भी जो है भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत ग्रुप है वो भी एक बड़ी बैठक जो है उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। 4 घंटे का जाम जो है, रोड यहाँ पर रोड जाम करने का ऐलान जो है उनकी तरफ से किया है। और ऐसे में जो किसान मोर्चा से जुड़े हुए लोग हैं और जो मजदूर संघ है वो भी इस तरीके की कार्रवाई में जो है नजर बनाए रखेगा। राहुल, आपके पास फिर अपडेट के लिए आएंगे, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो किसान संगठन लगातार बैठक के जरिए रणनीति बना रहे हैं और इससे ये लग रहा है कि पंजाब के किसानों के साथ हरियाणा के किसान भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं।